हाँ ये पत्थर भी घिस गया है, ये पत्थर इसलिए घिसा है क्योंकि हम ऐसे पानी लेते हैं। बल्कि देखिए दोस्तों कितने लोग आ रखे पानी ठीक करने के लिए। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीपू पहाड़ी ब्लॉग में। तो दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत भी हो चुकी है और मैं अभी बैठा हूँ यहाँ पे छाया में क्योंकि अभी बज रखे हैं दिन के 10। और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये पुराना घर जो कि पुराने जमाने में होता था, अभी भी होता है, मतलब अभी आप बहुत से लोगों ने तोड़ भी दिया जैसे कि हमने भी तोड़ दिया। तो ये है घर जो कि हमारे बगल में ताई जी रहती हैं, ताऊ जी उनका है ये। और अब इनके यहाँ पे सारा बस अंदर ये जो गोट है यहाँ पे उन्होंने लकड़ियाँ मकड़ियाँ रख रखी हैं अपने और अंदर रख रखी है घास। और ये पुराने ज़माने में होता था मस्ट बोलते हैं इसको, जो कि बांस के उसके होता है लकड़ी का। और इसके साथ उन्होंने यहाँ पे लगा रखे हैं यहाँ पे लकड़ियाँ जो कि आग जलाने के काम आते हैं, बांस की लकड़ियाँ देख सकते हो कितनी ढेर लगा रखी हैं। और आजकल गांव में हो क्या रहा है कि पानी की कमी बहुत हो रही है हमारे गांव में, तो अभी भी गांव में नंबर लगे हैं ऊपर जहाँ पे हमारा नौरा है, मतलब नौल बोलते हैं हमारे गाँव में, तो मतलब हमारी पहाड़ी भाषा में नार बोलते हैं, तो वहाँ पर भी नंबर लगे हैं पानी के। और मैं आपको अभी वहीं ले चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको यहाँ पानी की समस्या कैसे होती है। तो ये रहा रास्ता और ये हमारा गांव, अभी दिन में देख सकते हो अभी दिन के 10 बजे हैं और काफ़ी धूप आ रखी है। सब लोगों ने अपने जो भी बकरियाँ गाय भैंस थे सब अंदर डाल दिए, हमारी केवल बकरी है यहाँ पर। और तो मैं भी जाऊँगा ऊपर नार में जहाँ पानी भरते हैं, जहाँ से मतलब ठंडा पानी आता है, वहाँ दिखाता हूँ आपको कितने नंबर लगे हैं उधर पानी के। ये है हमारे गांव का घर घर नल घर घर जल वाला, मगर इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं आता देख सकते हो आप। और इससे पहले बहुत साल पहले यहाँ पे एक नल और लगा रखा था यहाँ पे, और इसका तो पता नहीं कहाँ है इसका खोपड़ी, कहाँ क्या है। एक नल यहाँ पे है, इधर भी नहीं है पानी। और इसके साथ यहाँ पे भी नल है देख सकते हो, जगह जगह में नल लगा रखे हैं मगर इस नलों में पानी बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के साथ यहाँ पर और एक नल यहाँ पर भी है, ये देखिए, मगर पानी की बूंद तक नहीं आती इस पर। होने को तो घर घर में नल है, मतलब हर किसी के घर में एक एक दो दो नल है बगल में, लेकिन नल में बिल्कुल भी पानी की बूंद तक नहीं है देख सकते हो। घर घर नल ही था बस, घर घर जल नहीं था, इसका कहने का मतलब है। और अब मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ जहाँ पर मतलब काफ़ी भीड़ लगी है पानी की। तो ये रास्ता है ऊपर जाने का और काफ़ी लोग हैं अभी भी ऊपर जो कि पानी भर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक नंबर लगा रहता है वहाँ पे। ये देखिए पानी भर के ला रहे हैं अभी, ला के हाँ पानी, देखो पानी कितनी कमी हो रही है, अभी कपड़े धो के ला रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ पानी लेके आ रहे हैं, तो यहाँ लगे हैं नंबर पानी के। तो दोस्तों हमारे गाँव में पानी की इतनी कमी हो रखी है कि यहाँ पर नंबर लगे हुए हैं, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। यह है हमारा नौर बोलते हैं, और जो गाय बच्चों के लिए पानी यहाँ से ले जा रहे हैं, ये भी स्रोत का पानी है देखो। और यहाँ पे नंबर लगे हुए हैं पानी का और ऐसे भर रहे पानी, देखिए। तो ये देखिए यहाँ पे नंबर लगे हैं पानी के, पहले इसका नंबर है, उसके बाद इसका नंबर आएगा, फिर पवन का नंबर आएगा, फिर जाके नीरज का नंबर आएगा। सबके बाल्टी रखे पड़े हैं और आधे लोग घर गए हैं देख सकते हो, यहाँ पे बाल्टी रखे हैं सब ने अपने कब नंबर आएगा, और बाहर भी हैं बाल्टियाँ। और पानी देख सकते हो अब कितना कम है, ये पीने के लिए पानी होता है, ग्लास से भरना पड़ रहा है। और ये जो पानी है स्रोत का पानी है, अंदर से आता है इधर से देख सकते हो आप, और ये भर भर के यहाँ पे पत्थर में कुछ गड्ढा सा भर रखा है, उसमें से पानी भर के डब्बे में डाला जा रहा है। तो ऐसी हालत है हमारे गांव की अभी फिलहाल, दो तीन दिन से है ना, तीन तारीख से जब से बारिश आ रखी है तब से सारे नल में पानी नहीं आ रहा है। और होने को हमारे गाँव में प्रधानमंत्री घर घर जल घर घर नल वाला योजना भी है, पर उसमें कभी पानी नहीं आता, लगा दिख रही है। अच्छा ये हमारी भाभी जी आ रखी है, ये बोल रहे हैं 6 बजे से नंबर लगा रखा हमने, अभी भी नहीं आ रखा है। ये मतलब खेत से गोड़ के आ गए, खेत में गोड़ने के लिए गए थे सुबह जब नंबर के लिए आए थे, और अभी भी इनका नंबर नहीं आ रखा है। यहाँ पर गागरे रखी है, बाल्टी रखी है, और अभी अब इनके बाद इसके बाद शायद इनका नंबर है कंधों के बाद। तो बहुत ही दिक्कत हो रही है गाँव में, और आज हम शायद जाएंगे पानी लगाने के लिए जंगल में दोबारा। तो आप नीरज सिंह क्या कहना चाहोगे अब इस बारे में? आप मैं तो बहुत परेशान हो रखा हूँ, कल रात से बैठ रखा हूँ। और कितने सालों से ना आया नहीं आपने? काफी टाइम हो गया तकरीबन, एक हफ्ता तो हो गया। और एक हफ्ते परसों जब मेरी सिस्टर की शादी थी तब नया था इसने, तब से अभी तक नहीं नाया इसने। पसीने से
और पानी की सही में बहुत वो दिक्कत है इधर। मैंने नहाया नहीं है सच में। और ये पवन नीचे से आ रखा है, मतलब धड़ाने से करीब 20 मिनट लगते हैं ऊपर आने में। हाँ, और नीचे से यहाँ ऊपर आकर पानी बनने के लिए, क्योंकि नीचे भी नहीं आ रहा पानी, क्योंकि मेन है हमारा गांव। अगर हमारे गांव में पानी आएगा तब जाके नीचे जाएगा, अगर ऊपर ही नहीं आ रहा पानी तो नीचे कैसे जाएगा। तो ये नीचे से आ रखा है अभी पानी भरने के लिए, है ना। तो आप कहाँ हो? वो बड़ा वाला जरकिन इसी के आए हैं, और एक बाल्टी और वहाँ पर वो खाना बनाने के लिए भी चाहिए होता है। हाँ वही तो बहुत दिक्कत है गाँव में पानी की। ये तो हो गया पानी पीने वाला, और यहाँ पर भी आता है हमारा पानी, स्रोत का पानी, और यहाँ पर भी पानी ख़त्म हो चुका है पूरा। ये देखिए यहाँ पर भी भरा जा रहा है, पर ये है कि ये गाय बकरियों के लिए है और अपने कपड़े सपड़े धोने के लिए। ये देखो पानी की भीड़, वहाँ से एक बच्ची फिर आ रही है, और यहाँ से फिर बच्ची थोड़ी दम ये बार भाई। ये देखो हाँ, तो यहाँ पे सारे आ गए, भाभिया बुआरिया और बच्चे लोग। अभी देखो एक वहां से और रीता आ गई, तो तुम परेशान रहा था, हम थोड़े नहीं रहे परेशान। कौन देते नाम किचू है? कोमल। अरे ऐसे बुलाना उधर बेटे, ये क्यों छू ये किचू चुटिया। तो जो ये हमारा गांव पड़ता है, ये पड़ता है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, और माणा दिगोली गांव का नाम है, और तहसील है कांडा। और इस गांव के कुछ ऐसे हालात हैं हमारे कि पानी मतलब है ही नहीं, पानी के लिए सुबह से लेकर शाम तक नंबर में लाइन में लगना पड़ता है इधर। और घर घर नल तो है मगर घर घर जल नहीं है, खाली नाम मात्र है कि उन्होंने एक पानी का वो वहाँ पर नल ठोक दिया है, बस पानी उसमें बूंद तक नहीं है। कुछ ऐसे हालात हैं हमारे गाँव में अभी भी। परसों तक तो पानी आ रहा था, लेकिन अभी जब से बारिश हुई तब से मतलब अभी जो पानी आ रहा था वो भी नहीं आ रहा बिल्कुल भी, एकदम सूखा पड़ गया है। और परसों तक ये फिर भी भरा रहता था, क्योंकि नल में पानी आता था तो ये भरा रहता था हमेशा, तो उतनी दिक्कत नहीं होती थी। अभी हम यहाँ पानी पीने के लिए भी यहीं से भर रहे हैं, और गाय बच्चों के लिए भी यहीं से ले जा रहे हैं हम। तो अभी जा रहे हम वापस घर में, और खाना वाना खा लेते हैं, अब खाना भी बन गया होगा। एक नंबर छत्ता। ये देखो ये देखो झोला, बॉम्बर चले गया झोला ले गए। हाँ हम अच्छा अच्छा जाओ जाओ करा लोन कला छका पर बब। हां तले ये कला तले जोन आए होए आए ठीक ठीक हिटो हिटो अरे घमले बहुत लग गयो ना बाप का। अरे घम रन बाप वही तो मैं बहुत घम लग गयो अरे ते रन। यो घर जा जोन उस पर मैं जा रहा हूं घर, और तो बकरी लेके भी आ गए ग्वाला से। ये ग्वाल पहले आ गया दूर। अरे ये बकरियां सारी आ गई ग्वाला से। तो दोस्तों आ गया हूँ मैं घर में, और थोड़ी देर अब खाना खाऊंगा, और उसके बाद फिर सो जाऊंगा, क्योंकि दिन में भी काफ़ी धूप लगी है, और कहाँ जाऊँ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैं गांव में रोज़ डेली ब्लॉग भी बनाता, क्योंकि रोज़ का वही सेम चीज़ें होती हैं इसकी वजह से। और अब थोड़ी देर में खाना खाते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, फिर देखते हैं शाम को कहाँ जाते हैं क्या जाते हैं, आपको दिखाएंगे हम ब्लॉग में, बने रहना। तो दोस्तों अभी हम सो के उठे हैं, और तभी गांव के लोग पानी सही करने के लिए जा रहे थे जंगल की ओर। तो मेरे साथ है मेरा भाई नीरज और मैं, दोनों जा रहे हैं अभी, और आधे लोग आगे पहुंच गए हैं और आधे लोग पीछे से आ रहे हैं। देखते हैं क्या पता कुछ पानी का वो हो जाए बंदोबस्त, अगर आज हम पानी ठीक करके लाएंगे तो। दिखाता हूँ आपको कहाँ से क्या हो रखा है, काफ़ी दूर है जहाँ से पानी आता है। तो अभी तो काफ़ी लोग जा रहे हैं हम लोग
गांव वाले पानी ठीक करने के लिए, क्या पता ठीक हो जाए और फिर से पानी आने लगे वापस। और यहाँ पे पानी का नल वो भी है टैंकी, लेकिन इसमें पानी नहीं आ रहा है। कौन हो तुम? मैं। इतनी बड़ी टैंकी, लेकिन ये टैंकी पूरी खाली, नाम मात्र टैंकी। घर घर जल, घर घर नल है, लेकिन केवल घर घर नल ही नल है, जल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, बूंद भी नहीं। तो पूरा इंजन ठीक करना है एकदम। ये देखो रेंच वेंच कुदाल बेलचा सब जा रहा है उधर। ये देखिए सभी लोग आ रखे हैं, कुदाल बेंचा रेंचा सब लोग हैं, सभी लोग पानी के लिए आ रखे हैं। वीडियो तो आएगी, आगे पानी भी आना चाहिए ना। पानी की खोज में, पानी की खोज 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर अपने गाँव से हमने उस गाँव जाना है, वो उतनी दूर। और फिलहाल नीचे देख रहे हैं इधर यहाँ तक पानी आए, खड़गे नहीं आ रखा करके। यहाँ पे है पानी का नल, जो कि अब थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, लेकिन इसको खोलना पड़ेगा। कितना आ रहा है इसमें पानी, कमी की ज़्यादा है। नहीं नहीं फ्री नहीं होगा, पूरे चेक करो। धन्यवाद दो, आगे भी पानी नहीं चलेगा। ये खोलो इसको, चलो फिर खोलो खोलो। वहाँ नीचे खोलेगा अभी पानी नहीं चलेगा। रत्ता तो बहुत है यार, रत्ता तो हमने खोल के, रत्ता तो बहुत है पानी हो। बल्कि रमेश पाने पर यहाँ से बात पानी तो बहुत है। दोस्तों यहाँ तक तो पानी काफी तेज आ रहा है, और शायद आगे कुछ बूझा लगा होगा उधर नलों में, तो वहाँ जा रहे हैं हम। ठीक हो जाएगा, ऊपर वाले भी भरोसा रखो। बस यहाँ देखना पड़ेगा कि पानी कहाँ तक जा रहा है, यहीं से देखना पड़ेगा। हमारे साथ कुत्ता भी आ रहे, देखो पानी पानी ठीक करने के लिए। नीरज का कुचिया, नीरज तेरा छोटू भी आ रहा है पानी भी सही करने के लिए। छोटू ना तो नीचे है उधर, प्रभु भी आ रहे हैं तेरे भेर। तो उस धार में से तो पानी आ रहा है इधर को, और यहाँ से इसमें चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे पानी आ रहा है नहीं आ रहा। ये तक तो आई रहा पानी स्पीड है। तो अब वहाँ से इधर तक पानी आ रहा है, इधर से अब आगे को और चेक करेंगे हम। अभी तीसरी जगह खोदा जा रहा है, जहाँ पे निर्मल सिंह अपना प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं परफेक्ट जगह खोद पाते नहीं खोद पाते। ठीक है फिर से आप फोकस मारने लग गया पानी। देखो हमारी मेहनत रंग लाई, देखो रंग नहीं पानी लाई, हमारी मेहनत पानी लाई। कुछ हमारा प्रेशर, कुछ पानी का प्रेशर, धीरे धीरे पानी का प्रेशर बढ़ते हुए। ये देखिए दोस्तों इतने लोग आ रखे पानी ठीक करने के लिए। आधे ग्रुप अभी पीछे है, वो नल ठीक करते करते आ रहे हैं। देखो उधर अंदाजा नहीं भाई। अभी चौथी जगह खोला जा रहा है, खुला अपने आप रहता है इधर थोड़ी देर। चलो ये थोड़ा आदमी तो कहीं बंद कर दो चंदो। हाल लोग है या तो बंद कहूँ है इंजीनियर को हुई इंजीनियर को भैया नहीं। तो अभी हम सब आ गए हैं वापस पानी लगा के, लेकिन पानी यहाँ तक पहुँचा नहीं पहुँचा, देखना पड़ेगा। एक तो गंदा पानी आ रहा है, तो ये रही टैंकी। हाँ उड़ा उड़ा पानी
पानी गंदे रहो। और यहाँ बच्चे ढोल बजा रहे थे, ढोल बजा रहे हैं, डांस भी कर रहा है बच्चा। चलो आप करो चलो डांस। एक गाने की बजा बजा बजा। दोस्तों यहाँ पर बच्चों ने हमारी पुरानी यादें ताजे करा दी हैं, देख सकते हो। ये देखो पहले बचपन में हम भी ऐसे बजाया करते थे। दिखाओ दिखाओ, आजा मैदान में आप। ओए ओए आजा आजा। अरे बाप रे, आंख दिखा दे भाई। आजा फिर आजा, पूछो आप पसंद भैया। आजा मैदान में आप। अरे बाप रे, आजा मैदान में, आजा मैदान में, आजा मैदान में। तो दोस्तों पानी वानी लगा के हम आ रखे हैं और अभी मैं जा रहा हूँ नौला गगरी लेके, देखते नंबर आता नहीं आता उधर। ये देखो सुबह से भीड़ लगी है। मैं नंबर का बात हो, मैं नंबर का बात हो, बताओ लास्ट को हो, लास्ट को ही बताओ पहले। दोस्तों आ गया है मेरा नंबर और देख सकते हो सब लोग चले गए। अब आप अकेला बचाओ, मैं यहाँ पे अब मैं अकेला हूँ, सब लोग छोड़ के चले गए इधर देखो। और अभी करीब 7:30 बज गया और उतनी टाइम आ गया था मैं अभी। और एक मेरे साथ नीरज है यहाँ पे, अब वो भी अभी आया मेरा साथ देने के लिए। ये देखो आप पानी 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 भरने के लिए मैं अकेला हूँ यहाँ पे और लग की मैं गाड़ी। आ तुम जाओ घर जाओ। दोस्तों देखिए ऐसे आता है पानी यहाँ पर, यहाँ से आता है पानी और इधर ये कसिन से इसमें भरना पड़ता है ऐसे करके। ये देखो हाँ ये पत्थर भी घिस गया है। ये पत्थर इसलिए घिसा है क्योंकि हम ऐसे पानी लेते हैं कुटर कुटर के, तो ये मतलब बरसों से मतलब ये पत्थर थोड़ा थोड़ा करके पूरा घिस गया। हम जैसे ही पानी ख़त्म हो जाएगा हम इसका वेट करेंगे थोड़ा और फिर जैसे ही पानी भरेगा इसमें फिर डालेंगे हम। ये देखिए आता मगर ठंडा पानी है इधर, लेकिन ये कि आजकल थोड़ी बहुत पानी की कमी की वजह से पानी भी कम आ रहा है, तो फुल भरा रहता था। और अभी हम केवल 3 जने हैं, नीरज हो गया, लक्की हो गया और मैं। तो अब सब लोग चले गए, लास्ट नंबर मेरा ही था और अब कोई नहीं है। मैं जैसे मेरा ही भरेगा फिर नीरज बाल्टी भरेगा अपना, चले बंदा है वो भी भरेगा फिर। ये तो ये इसका तो घर नजदीक। तो दोस्तों बहुत ही दिक्कत है पानी की, पहले मैं इसको भर लेता हूँ उसके बाद जो फिर देखते हैं कितना टाइम लगता है। चलो ठीक है थोड़ा बच्चा आप तुम्हें पढ़े आ रहा क्या? मैं भी नहीं, मैं तो आप लोगों को देखने आया था क्या करते हो। अरे यार बस थोड़े रह गया आप, ये दो जन हैं। हाय मैं तो यही के बजा हूँ, बताइयो। ये तो गंगा है, साफ है पानी। हाँ मैं था मैं भरने दे फिर तू भर, मुझे भरने दे फिर तू भर। क्या जर की न्याय है महापत्र से? हाँ नीरज हो नीरज। अम्मा या, अम्मा, पैसे निकालिए कंडेल या।
हाँ।